अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जे एस के डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर खान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब में जे एस के डिज़ाइन स्टूडियो को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। सो एडोबी फोटोशॉप की आज हमारी 8वीं क्लास है और आज की क्लास में हम सीखेंगे हीलिंग टूल। ठीक है, हीलिंग टूल क्या चीज़ है? जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बताया था क्लोन टूल के बारे में, तो हीलिंग टूल भी क्लोन का ही काम करती है एक तरह से। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड से हम जे प्रेस करेंगे शॉर्टकट, और अगर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ इस आइकन पर क्लिक करेंगे। आपके पास यहाँ कुछ ऑप्शन इस तरीके से शो होंगे। ठीक है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, इसमें और ऑप्शंस भी हैं। तो हम आज 2 से 3 ऑप्शंस पे काम करेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारे पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, हम सेलेक्ट करते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अच्छा, ये अब आपको एक पुरानी इमेज नज़र आ रही होगी। अक्सर हमारी बचपन की कुछ फ़ोटोज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पड़े पड़े उस पर स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं, पैचेस वगैरह आ जाते हैं। तो उसे हम किस तरीके से रिटच कर सकते हैं या रिन्यू कर सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम एक न्यू लेयर लेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड लेयर पे हम काम नहीं करते, जैसे कि मैंने काफ़ी क्लासेस में बताया, हम जब भी काम करेंगे न्यू लेयर पे काम करेंगे। न्यू लेयर बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे। हमारे पास लेयर वन बन चुकी है। ठीक है, हमने यहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम इस इमेज को ज़ूम करेंगे। अब यहाँ काफ़ी आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, हम चाहें तो क्लोन टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन क्लोन टूल से उस तरीके से इमेज एडिट नहीं होगी जैसे कि हीलिंग ब्रश टूल से या स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से होगी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। हम क्लोन टूल लेते हैं। क्लोन टूल लेने के लिए हमें शॉर्टकट एस प्रेस करना होगा। अब हमारे पास क्लोन टूल सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, मैं अगर यहाँ से इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, इस पोर्शन को यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, मैं अगर यहाँ इसे ट्रैक कर दूँ, मतलब, लेकिन एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यहाँ हमारे पास करंट लेयर शो हो रहा है। ठीक है, ऑप्शंस में हमें ऑल लेयर्स रखना है। ठीक है, अगर हम ऑल लेयर्स नहीं रखेंगे तो सिलेक्शन हमारी वो करंट लेयर पे होगी। अगर मैंने करंट लेयर ले ली तो हमारे पास कलर करंट लेयर जो है वो ब्लैंक है, उसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से वो सोर्स पॉइंट सेलेक्ट नहीं हो सकता। तो हम यहाँ से ऑल लेयर्स पर क्लिक करेंगे ताकि वो किसी भी लेयर से सिलेक्शन पैच या सोर्स हमारा ले सकें। ठीक है, हमने ऑल लेयर्स पर क्लिक किया, हमारे पास न्यू लेयर है, लेकिन हम सोर्स पॉइंट जो अपना लेंगे वो बैकग्राउंड लेयर से लेंगे। तो हम क्लोन टूल सेलेक्ट करते हैं कीबोर्ड से एन, और यहाँ से मैं इस यहाँ एक सोर्स पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये हमारा सोर्स पॉइंट है, यहाँ मैं आके ड्रैग कर रहा हूँ। अब आप देखिए, ये एरिया डार्क है और ये एरिया लाइट है। ठीक है, दोनों में कलर डिफरेंस है। अगर मैं इसको, इस पोर्शन को यहाँ क्लोन करूँगा तो कलर मैच नहीं होगा। ठीक है, मैं अगर इस एरिया को भी करता हूँ तो भी कलर डिफरेंस आपको शो हो रहा होगा, ये एक स्पॉट्स आप बन गए। ठीक है, मैं अगर कोई और एरिया भी करता हूँ तो उसमें भी आपको ये अब डार्क शेड थोड़ा सा नज़र आ रहा है। तो इसके लिए छोटे छोटे जितने भी स्पॉट्स होते हैं उसके लिए हम हीलिंग ब्रश टूल या हीलिंग स्पॉट टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम कीबोर्ड से जे प्रेस करेंगे या हीलिंग ब्रश टूल के आइकन पर क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शंस होंगे और इसमें से हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद हम कोई भी एरिया से, मतलब अगर मैं अब यहाँ से भी सिलेक्शन लेता हूँ, सोर्स पॉइंट अपना मैं यहाँ से लेता हूँ तो, और यहाँ पेस्ट करता हूँ तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ मैंने सिंपली क्लिक किया। ठीक है, और अब मैं यहाँ इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम जिस लेयर पर काम कर रहे हैं वो लेयर हमारे पास इस वक्त ब्लैंक है। ठीक है, तो हम इस लेयर को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम चेक लगाएंगे। जैसे कि क्लोन टूल में हमने यहाँ ऑल लेयर्स किया था, इसी तरीके से हीलिंग ब्रश टूल में भी हम यहाँ सिंपल ऑल लेयर्स पे क्लिक करेंगे। इस पर अब हम क्लिक करेंगे, अब हमारे पास न्यू लेयर सेलेक्ट है। ठीक है, और हम बैकग्राउंड से इसकी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से दोबारा सिलेक्शन लूँगा। ठीक है, सिलेक्शन लेने के बाद अब मैं इसको यहाँ ड्रैग कर रहा हूँ। अब ये स्पॉट यहाँ से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, मैंने डार्क एरिया से लिया, लाइट एरिया पर अप्लाई किया पैच,
स्पॉट हमारा ख़त्म हो गया। मैं दोबारा से डार्क एरिया को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस तरीके से। अब आप देखें स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल हमारा इस तरीके से काम करता है। मैं चाहूँ तो लाइट एरिया से भी ले सकता हूँ। मैंने यहाँ क्लिक किया सोर्स पॉइंट और यहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यह हमारा इस तरीके से साफ़ हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी इमेज को टच रीटच कर सकते हैं या दोबारा रिन्यू कर सकते हैं ताकि हमारी इमेज साफ हो सके, वो प्रिंट के काबिल हो सके। इसमें काफ़ी आपको छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, फेस पे भी है, बैकग्राउंड में भी है, काफ़ी पैचेस टाइप की भी है, कुछ लाइंस भी आपको शो हो रही होगी। तो हम जहाँ भी क्लिक करेंगे हमारी इमेज साफ होती रहेगी और उसमें से हमारे स्पॉट्स लेस होते रहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसी में एक और टूल है हमारे पास, हेलिंग ब्रश टूल, ठीक है। हेलिंग ब्रश टूल का क्या काम है वो भी हम कुछ इस तरीके से करेंगे। हमने हेलिंग ब्रश टूल पहले सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं इस एरिया को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन ये अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? जैसे कि मैंने पिछले टूल में बताया कि यहाँ से हमें लेयर्स ऑल लेयर्स सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। ऑल लेयर्स हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम किसी भी लेयर से सिलेक्शन ले सकते हैं। मैंने यहाँ से सिलेक्शन ली और यहाँ मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए कलर का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये खुद ब खुद सॉफ्टवेयर कलर इसको एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम अपनी इमेज को टचअप कर सकते हैं या रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। पैच लेने स्पॉट्स या सोर्स पॉइंट हमें लेने के लिए ऑल्ट प्रेस करना होगा, ऑल्ट प्रेस करेंगे हमारे पास सोर्स पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं लाइट एरिया से ले रहा हूँ, अगर मैं क्लोन करूँगा, मैं यहाँ से एस प्रेस करता हूँ, क्लोन करता हूँ, यहाँ अप्लाई करता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। ये आपको ये स्पॉट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इस एरिया से लेता हूँ ये आपको स्पॉट इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। तो इसीलिए हम हेलिंग ब्रश टूल लेंगे या स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल पे हम काम करेंगे, ठीक है। यहाँ से सोर्स पॉइंट ले रहा हूँ और इस तरीके से मैं अपनी इमेज को साफ कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह की कोई भी हमारी पुरानी इमेज हो हमें उसको इस तरीके से रिन्यू कर सकते हैं, उसमें से हमारे पास जितने भी स्पॉट्स होंगे हम उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन आपको जब भी इस तरह का टचअप करना हो या आपने स्पॉट्स रिमूव करने हो तो आप हमेशा सोर्स पॉइंट छोटा रखिएगा। अगर मैं ज़्यादा एरिया को ड्रैग करूँगा तो उसमें सोर्स पॉइंट हमारा प्रॉपर सेलेक्ट नहीं होता, उसकी फीलिंग ठीक से नहीं होती, ठीक है। हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन है पैच टूल। पैच टूल क्या है? पैच टूल को हम सेलेक्ट करेंगे। पैच टूल जैसे कि हम लैसो टूल को सेलेक्ट करते हैं जिस तरीके से, वैसे ही हमारे पास पैच टूल भी है। हम यहाँ कोई भी सिलेक्शन ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये हमारा इफेक्टिव एरिया है, ठीक है। यहाँ मुझे बैकग्राउंड सही चाहिए, मतलब इस यहाँ टचअप हमें करना है, ठीक है। ये हमारा सोर्स पॉइंट है एक तरीके से। तो अब मैंने सिलेक्शन ले ली, इसी सिलेक्शन को मैं जस्ट क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा और एरिया में कुछ सेलेक्ट करूँगा। अब आप देखिए ये साफ़ हो गए। अगर ये एरिया ऑलरेडी साफ़ था, हमारे पास क्लीन था, तो हम दूसरा एरिया लेते हैं पैच के लिए। हमने यहाँ एक पैच बनाया, अब हम इसे यहाँ ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि जब भी आप, अब ये देखें ये हमारी पुरानी इमेज है, ठीक है, और ये हमारी न्यू इमेज है। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस काफ़ी नज़र आ रहा होगा। तो हम दोबारा से स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल लेंगे और हम जल्द से जल्द इसको एडिट कर देंगे ताकि ये इमेज हमारी जल्द से जल्द एडिट हो सके। इस तरीके से हमारी जो भी इमेजेस होगी उसमें हम स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल या हेलिंग ब्रश टूल या पैच टूल के थ्रू हम इसको ईजिली रिन्यू या टचअप कर सकते हैं ताकि हम अपनी इमेज को प्रिंटेड के काबिल बना सके या हमें उसके कोई फ्रेम बनानी हो तो हम इसको हाई रेज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको इस तरीके से टचअप करना पड़ेगा, ठीक है।
अब जैसे कि हर जगह हम सेम ब्रश नहीं रखेंगे, कहीं पे अभी हमारा एरिया है इसके बराबर में यहाँ आपको बाल नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपना ब्रश टूल छोटा कर देंगे। ठीक है, अब हम ये एरिया सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से हम करेंगे। अगर मैं अपने ब्रश टूल का साइज़ बढ़ा दूँगा तो वो इसमें यहाँ शेड आपको शो होगा, तो इसलिए मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। मैं ब्रश का साइज़ छोटा कर देता हूँ और मैं इस एरिया को क्लीन करता हूँ। ठीक है, स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल ये कलर खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, अब ये बालों में है, मैंने यहाँ से सेलेक्शन लिया सोर्स पॉइंट और यहाँ जस्ट मैंने अप्लाई किया। इसी तरीके से मैं यहाँ से ले रहा हूँ सोर्स पॉइंट, यहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ। आप देखें खुद ब खुद हमारा जो स्पॉट है वो ठीक हो रहा है, हमारे जितने स्पॉट्स थे तकरीबन सब ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ कुछ एरिया हमारे पास बाकी हैं, इसको भी हम स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल की मदद से कर सकते हैं। मज़ीद भी आप कुछ इमेजेस एडिट करने जाए, अगर आपके पास एरिया काफ़ी है, मतलब जहाँ स्पॉट नहीं है, जैसे इस इमेज में हमारे पास स्पॉट्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, तो इसके लिए हमने स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल यूज़ किया। लेकिन अगर हमें कहीं क्लोन करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ क्लोन भी कर सकते हैं। हम छोटे छोटे पैचेस के लिए स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल बेसिकली वो उसका नाम ही स्पॉट इसीलिए है कि छोटे छोटे स्पॉट्स जितने भी होंगे उसको बाई आसानी वो रिमूव कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको सारे जितने भी डॉट्स नज़र आ रहे हैं सारे स्पॉट्स हैं, तो ये ईज़िली हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारी इमेज एडिट हो चुकी है, एडिट कहें, रिटच कहें, रिन्यू कहें, इसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब यही हमारी इमेज है। मैं बैकग्राउंड की एक डुप्लीकेट लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, इन दोनों को मैं मर्ज कर देता हूँ और ये हमारी एक बैकग्राउंड है। मैंने क्रॉप टूल लिया, एरिया मैंने बढ़ा लिया, ठीक है, इंटरफेस किया ताकि मैं डुप्लीकेट इमेज यहाँ लगा के आपको दोनों में डिफरेंस दिखा सकूँ। ठीक है, अब हम क्रॉप टूल दोबारा लेंगे, अपना एरिया फिक्स कर देंगे, तो अब आप देखेंगे दोनों इमेज में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। अब इस इमेज में यहाँ कुछ ये शेड आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो आप इसे जूम करके स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल लीजिए दोबारा से, ब्रश का साइज़ थोड़ा बढ़ाइए और यहाँ सिंपली ब्रश कर दीजिए। ठीक है, ये भी स्पॉट था, इसे भी हमने क्लियर कर दिया। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, छोटी की क्लास थी लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे और आगे चल के अब हम मज़ीद कुछ डिज़ाइन वगैरह पे काम करेंगे, बिज़नेस कार्ड के हम डिज़ाइन वगैरह बनाएंगे, ब्रोशर फ्लायर्स के डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको डिज़ाइन बनाने में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।